हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं लॉजिक गेट। हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट क्या होता है एंड लॉजिक क्या होता है, गेट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं और हम किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं और किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्टली हम जानेंगे लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट क्या होता है? हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट तथा सिग्नल आउटपुट होते हैं। मान लीजिए हमने एक या एक से अधिक सिग्नल दिए, उसमें इनपुट दिया और हमको आउटपुट मिल रहा है, एक या एक से अधिक आउटपुट हमें मिलता है। ओके, तो ये होता है हमारा लॉजिक गेट। अब हमारा लॉजिक क्या होता है? वह मैनर जिसमें कि एक डिजिटल सर्किट अपनी इनपुट के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कोई भी हमारा जो सर्किट है वो डिजिटल है सर्किट, और वो हमारा इनपुट दे रहा है, और उस माइनर की उस सर्किट को लॉजिक कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी सर्किट में क्या दिया, इनपुट दिया, और उसको हम क्या कहेंगे, लॉजिक। अब जानते हैं गेट क्या होता है। गेट वह डिजिटल सर्किट जिसमें वन या वन से अधिक इनपुट हो लेकिन केवल एक आउटपुट टर्मिनल हो, गेट कहलाता है। मान लीजिए कि हमने कोई सर्किट है, उसमें एक या एक से अधिक हमने क्या दिए, इनपुट दिए, और उसमें हमारा आउटपुट सिर्फ वन निकल के आ रहा, मतलब एक आउटपुट निकल के आ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा गेट कहलाएगा। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? वह टेबल जो कि इनपुट वेरिएबल के लिए सभी संभव कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करती है। मतलब जो आउटपुट होता है, हमारा आउटपुट होता है, उसको प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाती है, ट्रुथ टेबल। अब मान लीजिए हमारी जो हमारी सर्किट है उसमें काफ़ी कंडीशन होती हैं, वो जो सारी कंडीशन होती हैं हम इन ट्रुथ टेबल के माध्यम से सारी कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं, मतलब उसमें दर्शाते हैं, वो होती है हमारी ट्रुथ टेबल। अब जानते हैं हम बेसिक गेट। हमारे नॉर्मली बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक गेट होते हैं हमारे दो तीन प्रकार के, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। ओके, ये तो होते हैं हमारे बेसिक गेट, ये हमारे बेसिक गेट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो देखिए अब है आगे हमारा डायरेक्ट गेट। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारे फोर प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नैंड गेट। अब ये नैंड, ये हमारा कोई अलग नहीं है, ये इन बेसिक गेटों से ही मिलकर बना है, हम आगे बताएंगे डिटेल में। ये हमारा किससे बनकर बना है? एंड और नैंड से। ओके, सॉरी, ये हमारा किससे बना होता है? एंड और नॉट गेट से, नेट नहीं, नेट तो हम खुद बना रहे हैं। ओके, तो हमारे ये क्या होता है, एंड और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो इसी प्रकार ये सारे एक दूसरे, इन तीनों बेसिक गेट से मिलकर बने होते हैं। तो इन वीडियोस में, आगे वाली वीडियोस में मैं बता दूंगी डिटेल में। ओके, अब ये है नॉर गेट, ये है एक्स और गेट, एंड ये भी एक्स और है, एक्स नॉर गेट। ये हमारे फोर प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे और गेट क्या होता है। तो अब हम और गेट के बारे में जानते हैं। और गेट, एनी और ऑल गेट्स। ओके, तो इसका हम आईसी नंबर, तो देखिए ये आईसी नंबर पूछ लिया जाता है हमारा एग्जाम में कि और गेट का आईसी नंबर क्या होता है, या इसमें कितने इनपुट्स दिए जाते हैं, कितना आउटपुट आता है हमारे। ओके, तो ये हमारा पूछ लिया जाता है। तो इसका आईसी नंबर होता है 7432। अब इसका ये, इसके हमारे इनपुट कितने हैं, हमने कितने इनपुट देंगे, हम इसमें दो इनपुट देंगे कोशिश में और गेट में। तो चलिए हम इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल देखिए, इसमें ये होता है हमारा सिंबल, ये हमारा और गेट का सिंबल है, और ये ए और बी, इसमें दो हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, हमारा एक आउटपुट निकलेगा किस प्रकार, वाई। मान लीजिए हमारे ये ए और बी इनपुट है, दो टर्मिनल, ये वाई है, ये वाई मतलब इजिकल टू कितना निकलेगा हमारा टोटल, ए प्लस बी। तो ये तो है हमारा और गेट का सिंबल। अब जानते हैं हम स्टेटमेंट, y इज इक्वल, मतलब जो हमारी y इक्वल क्या आया था, a प्लस बी, y इक्वल टू a और b, यहाँ पर प्लस साइन, मतलब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन और ऑपरेशन, और ऑपरेटर को इंडिकेट करेगा, किसको करेगा, और ऑपरेटर को इंडिकेट करेगा जो प्लस साइन है, जो a प्लस, प्लस आया था हमारा a प्लस बीच में। अब आता है हमारी प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी, यदि कोई भी हम टर्मिनल, मतलब यदि कोई भी सिग्नल हम हाई देते हैं, कभी कोई भी इनपुट हम हाई देंगे तो उसमें आउटपुट भी हमारा हाई प्राप्त होगा। ओके, तो हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझते हैं।
ओके ये है हमारी ट्रुथ टेबल। मान लीजिए हमारा ए और बी दो इनपुट दिए हैं हमने, इस प्रकार हमें ये आउटपुट प्राप्त होता है। ये है हमारा इनपुट, ये है आउटपुट। मान लीजिए हमारे दोनों पे, इस पे ए पे भी जीरो दिया है, बी पे भी जीरो, तो अब दोनों हमारे लो लो आउट इनपुट है। लो इनपुट पे तो हमें लो ही आउटपुट मिलेगा, मतलब जीरो आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए हमने एक पे जीरो दिया, एक पे वन आउटपुट दिया, इनपुट दिया, हमारा आउटपुट भी वन प्राप्त होगा। जैसा मैंने बताया कि यदि हम किसी पर हाई इनपुट देते हैं, एक टर्मिनल पर भी हाई आउटपुट इनपुट देते हैं, तो हमारा हाई आउटपुट ही प्राप्त होगा। तो हमने इसमें हाई इनपुट दिया है, तो यहाँ हमारा हाई हो जाएगा। देखिए हमने एक टर्मिनल पर इस पर हाई दे दिया, यहाँ जीरो, तो ये हमारा वन ही होगा, मतलब हाई आउटपुट प्राप्त होगा। हमने दोनों में वन वन दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा टू हो जाएगा, नो, ये हमारा वन आउटपुट ही प्राप्त होगा। देखिए अब हम इसका लॉजिक गेट देखते हैं, लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट क्या, देखिए हम इसमें अप्लाई भी करेंगे लॉजिक सर्किट को। ये है हमारा लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट ऑफ टू इनपुट और गेट। अब देखिए ये हमारा ए और बी है। अब देखिए हमारा क्या होता है, जो हमारा हाई, जो हाई वो होता है और आउटपुट होता है, उस पर ही हमारा बल्ब, ये जो है बल्ब चलता है, ये बल्ब है, ये वोल्टेज है। मान लीजिए कि हमने इस पर जीरो इनपुट दिया ए पर, इस पर भी जीरो, क्या ये हमारा बल्ब जलेगा? नहीं चलेगा इस कंडीशन में, क्योंकि जीरो है हमारा, यहाँ हमारा वन देते हैं, यहाँ जीरो, तो हमारा आउटपुट क्या आता है? वन आता है। किसी पर भी अगर हम हाई देते तो आउटपुट भी हाई निकलता है, तो ये जलेगा इस कंडीशन में। अब हमारा देते हैं, मान लीजिए इस पर वन देते हैं, इस पर जीरो, तो इस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट वन आएगा, ये भी इस टाइम ऑपरेट होगा। मान लीजिए हम दोनों पर वन वन देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? आउटपुट वन आएगा, उस कंडीशन में भी हमारा बल्ब ऑपरेट होगा। तो फ्रेंड्स ये तो है हमारा लॉजिक सर्किट। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।